जल्दी तैयार नहीं होती पनीर, फॉर्म में आ जाएगी, ये फॉर्म में आ जाएगी। घर पे आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही लो कॉस्ट डिश है। ये है वो पालक, मैं सोच रही पालक पनीर का ठेला लगा लूं। मेड है तो इस पे आप जरा चम्मच जरा स्पून भी चलाइएगा। मोहब्बत में जान जा चुकी है और पालक में पनीर जा चुकी है। ये हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। सुबह सुबह का टाइम है और फातिमा ने बनाई थी पनीर, तो फातिमा ने कहा उसका प्रोसेस दिखाते हैं। आज हमारे घर की दावत है तो उसका व्लॉग बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह से इंट्रो दे दें। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हो रही है और ये देखें, आपको लग रहा होगा जरूर कि ये दूध खराब हो गया है फट गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये असल में हमने पनीर बनानी थी पालक पनीर के लिए, और ये मैंने रात को बनाई थी मगर मुझे कम लग रही थी अपनी पनीर, तो मैंने थोड़ी और बना ली है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो दूध है ना इसको आपने बॉईल करना है, जितना भी आपको दूध चाहिए। मैंने रात को 1 किलो की बनाई थी, उसमें से तकरीबन 8 से 10 क्यूब्स निकलेंगी पनीर की, बट मुझे वो कम लग रही थी तो मैंने तकरीबन आधा किलो का और बना लिया। सो आपको सिर्फ दूध बॉईल करना है, जैसे ऐसी बॉइलिंग स्टेट में आ जाए आपका दूध, ठीक है ना। और उसके बाद बॉयल करने के बाद हल्के हल्के आपने लेमन जूस या विनेगर ऐड करना है, मैंने विनेगर ऐड किया। और जब उसके बाद ऐसे दूध ऐसे फटने की शक्ल में आ जाए ना, तो स्पून आपने ज्यादा हिलाना नहीं है, बस उसके बाद आपने स्पून नहीं लगाना, ताकि क्लम्प्स जो है उसके थोड़े बड़े बड़े बने। और ये इसको ऐसे आराम से ये करके, और ये इसका वे अलग हो गया है, वे जो इसका पानी है, और इसको ऐसे आपने अब बस चूल्हा बंद कर देना है। ये बहुत जल्दी क्विक प्रोसेस है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो ये हम पालक पनीर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, बाकी का बताएंगे। जी जी जी, बाकी का बताएंगे। आगे क्या हो रहा है? सुबह सुबह 7 बजे। अब हमने जो है वो स्ट्रेनर लेना है, इस तरह का होता ही है हर घर में, और एक साफ कपड़ा लेना है, उसको इस पे रख देना है। लॉन कॉटन टाइप कपड़ा आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मली चीज मलमल का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, मलमल का यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है। अब ये वही पानी है रात को जो मैंने पनीर बनाई थी उसका पानी है ये, इसका भी मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं इसको, आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल हम इसको स्ट्रेन करेंगे अहमद भाई। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन बोल रही होगी? मेरे साथ अन्याय हुआ। पनीर बोल रही होगी। पनीर तैयार है? अभी तैयार नहीं है पनीर। अच्छा, हाँ इतनी जल्दी तैयार नहीं होती पनीर, सिर्फ इसको जो दूध में विनेगर डाल के वो करने का प्रोसेस है वो जल्दी का है, बाकी इसमें थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम लगता है, वैसे करना कुछ नहीं होता ऐसा जिसको। अभी स्ट्रेन हो गया, अब इसको ना हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे। मैं बेड से उठा नहीं था। तो आपने बेड पे क्यों नहीं सोते आप? हाँ बताओ ना, ये महावीर है जो कि अपने बेड पे नहीं सोता। ये अब हमने ठंडे पानी से वॉश कर लिया, अब हम इसको बांध देंगे, इसको बोलेंगे बेटा तुम सो जाओ। सो जाओ, और बेटा आप लोग भी सो जाओ, स्कूल नहीं जाना ना। आज अमीर माशाल्लाह मस्जिद में फजर पढ़ने गया था मेरे साथ सुबह। उठाया भी फरिश्ते ने इसको। दुआ खत्म ही नहीं हो रही थी। अच्छी बात है। 2.5 पेज की दुआ थी। अब से मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ। आप भी कुरान पढ़ो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते आप। अब आप स्टार्ट करोगे ना? जब मेरी कैप आए। अच्छा। इसकी कैप मंगा दो, इसकी कैप आएगी तो नमाज शुरू करेगा, उसके बगैर नहीं। अगर आपके पास कैप नहीं है तो आप ऐसे भी नमाज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कैप पहन के पढ़ो तो फिर ज्यादा अच्छा है, आपको ज्यादा सवाब है। ये पानी इसमें से स्टेन हो गया। ये आपकी आइसक्रीम। ओह, ये किसने बनाई है? मैंने। इसकी रेसिपी क्या है? रेसिपी हम दोनों की है। पहले ओरियो डालो, फिर मिल्क। नहीं, पहले मिल्क। इधर आओ सामने आओ, इधर आओ। पहले मिल्क
डालो फिर नहीं पहले मिल्क डालो फिर ओरियो डालो फिर उसे क्रंच करो फिर मिक्स करो फिर उसे यहाँ पर पॉपसिकल स्टिक्स तो डाली नहीं पॉपसिकल स्टिक्स डाले पॉपसिकल स्टिक्स भी वही रखी हैं इसमें इन्होंने और ये हमारे लिए इन्होंने बनाई है ओरियो आइसक्रीम ये भी हम ट्राई करके बताएंगे कैसी है राइट ये जो पानी है ये आप वेस्ट ना करें ये आप यूज कर सकते हैं दाल बनाने में कोई भी चीज बनाने में ये वे है इसका ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है और इसमें टेस्ट भी अच्छा खट्टा खट्टा सा सोना मजे का आता है तो आप वेस्ट ना करें इसको लास्ट टाइम करो ने मेरा फेंक दिया था फ्रिज से उठा के पता नहीं किस खुशी में और ये मैंने पनीर रात को बनाई थी तो ये अभी ये सेट हो गई है मतलब ये वाली जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगी ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो अब ये पनीर हमारा हो गया है 3 घंटे हो गए इसको तकरीबन आप 2 घंटे भी रख सकते हैं देख लें उसके अकॉर्डिंगली ये जो है हमारा पनीर बन गया है अब इसको हम इस तरह गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं राइट और अगर आपको लगता है कि आपका पनीर जो है वो थोड़ा फर्म नहीं हो रहा मतलब थोड़ा वाटरी सा हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर सकते हैं जैसे हम आटा नहीं ऐड करते गूंदते हुए थोड़ा आटा ड्राई करने के लिए अगर ज़्यादा वाटरी हो जाता है तो उस तरह से कॉर्नफ्लावर उस पर स्प्रिंकल करके और इसको आटे की तरह यूँ गूंद के कपड़े पे ही कर लें क्योंकि फैब्रिक जो है वो जो एक्सेस उसका वाटर होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा तो जब आप फैब्रिक को ओपन कर रहे हो तो पनीर निकालने से पहले आप फैब्रिक को थोड़ा स्क्वीज कर लें ताकि कोई भी एक्सेस वाटर हो तो वो निकल जाए अब इसको हम अच्छा सा एक राउंड सा बॉल बना लेंगे जैसे हम आटे का बनाते हैं अब हम इसको फ्रिज में रख लेंगे आप आधे घंटे के लिए रख सकते हैं लेकिन अभी क्योंकि मैं सोऊंगी तो मैं ज़्यादा देर के लिए रख रही हूँ ओके तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये पनीर जो है वो रेडी हो गया है स्टिफ एंड फॉर्म ये पनीर है हाँ ये पनीर है ये तो आटा है आटा नहीं है अब नॉर्मली इसको हम कट कर देते हैं ऐसे पीसेस में और लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही बनाया था बट मुझे पालक पनीर खाते हुए जरा सा लगा था पनीर जो है ना वो ब्लैंड है मतलब पालक अच्छी थी बट जो पालक का टेस्ट है वो क्योंकि हम पनीर एंड में डालते हैं इसलिए वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया तो मैं अब पनीर को मैरिनेट करूंगी नॉर्मली इतना करते नहीं है ताकि थोड़ा पनीर में भी टेस्ट आए क्योंकि पनीर का अपना टेस्ट कम होता है जी ये वाला आलू की तरह लग रहा है और ये वाला कबाब की तरह लग रहा है तो इसमें जो है ना हमने थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा मम्मा ऐसे कर देना उसे ऐसे कर देगा मम्मा बिल्कुल जरा सा क्योंकि पालक में अपना भी सॉल्ट होगा और ये रेड चिली पाउडर है ये भी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद नहीं है थोड़ा सा भी पसंद नहीं है स्पाइसी मतलब मैं नहीं खाऊंगा नहीं बेटा ऐसा नहीं है मैं ऐसे नहीं खाऊंगा वो बन के आपको सही लगेगा तो हमने इसको ऐसे इसमें डिप कर दिया मम्मा इन दोनों को कौन खाएगा ओके तो फाइनली मैं पालक पनीर बनाने लगी हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने पालक ली थोड़ी ज़्यादा है लाइक 1 kg आप लोग एक बंच भी ले सकते हैं उसको हमने बॉइलिंग वाटर में डालना है ये जो प्रोसेस है ब्लैंचिंग का प्रोसेस है इसको पालक को बॉयल नहीं करना होता ब्लैंच करना होता है और इससे निकाल के पहले फिर आइस कोल्ड वाटर में डालना है ताकि इसका जो कलर है ना पालक का वो ग्रीन ही रहे वो प्रिजर्व रहे वो घर पे आप बना सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही लो कॉस्ट डिश है दूध तो सबके घर में होता ही है तो उससे आप पनीर बना लें और पालक बना लें फ्रेश आजकल पालक आई हुई है तो बड़ा ही वैसे सर्दियों में तो ज़्यादा ही मज़े के लगती है ये डिश और इसमें हम और पालक ऐड करेंगे तो अब ये जो है इसकी ऐसी जब शक्ल हो जाएगी ना पालक की तो आपने ये निकाल देना है ओवर कुक नहीं करना बिकॉज ऑब्वियसली सारे न्यूट्रिशन और वो सब निकल जाएगा उसमें सो आपको बॉयल नहीं करना है उसको इस तरह से जब इसकी शक्ल हो जाए तो उसको ठंडे आइस कोल्ड वाटर में आइस कोल्ड वाटर ठंडा ही होता है वैसे इसमें इसको निकाल देना है
तो एज यू कैन सी ये इसको स्पिनिच को थोड़ा टाइम हो गया है, अब हम इसको पानी से निकालेंगे और बिल्कुल ये हाथ लगाने के काबिल हो गई है, बिल्कुल वो जो थी ना गर्म उबलती हुई वो ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, हमने इसमें जो स्पिनिच है वो डाल दी है और हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें, लहसुन अदरक पेस्ट। अमेजिंग अमेजिंग, नॉट स्पिनिच बट माबीज होमवर्क। तो अब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। ये बाबा को हटाना चाहिए था। टीचर अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे एक पैन में, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जीरा। जब इसमें जीरा क्रैकल हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। साथ ही इसमें हम बहुत सारा जो है वो काफी सारा जो है वो चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे, नटी गोल्डन टाइप कर लेंगे। अब ये जो है ये नटी गोल्डन टाइप हो गया, जिस तरह का हम मजे का थोड़ा तड़का तैयार करते हैं ना, आप लोग दाल के तड़के में लहसुन डालते हैं ऐसे चॉप करके, मैं तो स्लिट ग्रीन चिलीज डालती हूँ और लहसुन डालती हूँ। फिलहाल हम इसमें डालेंगे अनियन, ये एक बड़ी प्याज है, इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट ताकि ये अनियन थोड़ी जल्दी भी हो जाए ब्राउन, और सॉल्ट का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि स्पिनिच में भी सॉल्ट होती है, फिर मैंने पनीर भी जो है वो सॉल्ट में मैरिनेट की है, तो नमक पे थोड़ा हल्का हाथ रखिए, फिर ऑब्वियसली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है और इसमें हम डालेंगे चॉप टोमेटो या अब इस स्टेज पे जो है हम हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी, तकरीबन हाफ टी स्पून। तो मेरे घर तो अगर पालक बच जाती है ना तो नेक्स्ट डे मैं उसको आटे में गुंदवा के उसकी रोटी बना के पालक की और उसके साथ चटनी के साथ खाती हूँ, बहुत मजे की लगती है। आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। बल्कि लास्ट टाइम मैंने पालक के आटे में गुंदवा के आलू बीच में डाल के पराठे भी सबको खिलाए थे, तो वो भी बहुत मजे के थे। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे एक मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मैंने चुपके से थोड़ा स्पिनिच में भी ग्राइंड करते हुए डाल दिया था, वो आपको बताना भूल गई, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कस्तूरी मेथी यानी फेनुग्रीक लीव्स, इसका बड़ा मज़े का अरोमा आता है। इसमें ऐड करेंगे जो पालक हमने ग्राइंड की थी, जो प्यूरी बनाई थी, ये है वो पालक। पानी ऐड कर लिया तकरीबन 1 ग्लास, तो हम इसको कवर कर देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। और ये पालक जो है ना इसका मसला ये उछलती बहुत है, जब ये पकती है ना तो वो उछल के पूरा चूल्हा गंदा कर देती है, तो उसको कवर जरूर करें और आंच थोड़ी हल्की कर दें। मीन वाइल हम जो पनीर हमने रेडी किया था उसको फ्राई करते हैं। ओके, तो ये पनीर है जो कि हमने पहले प्रिपेयर किया था, अब इसको हम कट कर लेते हैं क्यूब्स में। होममेड पनीर, वेरी हेल्दी पालक पनीर, सो हेल्दी सो टेस्टी, जस्ट कुकिंग लाइक अ वाओ। तुम तो लग रहा है बेच भी रही हो फातिमा साथ साथ। साथ में बेच रही हूँ मैं सोच रहा हूँ पालक पनीर का ठेला लगा लूँ। अब हम इनको फ्राई करेंगे पनीर क्यूब्स को, ऑयल गर्म हो गया। हम जो पनीर रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती है, ये होममेड है, तो इस पर आप ज़रा चम्मच ज़रा स्मूथली चलाइएगा
वरना इसका टूटने का खतरा है। उसमें ये है कि अगर आप पनीर जब बना रही है ना, तो जब मैंने आपको बताया था कि कॉर्नफ्लावर ऐड करें, तो आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर बना के, पिछली दफ़ा थोड़ी मेरी ज़्यादा फॉर्म बनी थी, तो कॉर्नफ्लावर ऐड करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने, मुझे लगा कि कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा सख्त हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप मत ऐड करें। मैंने कॉर्नफ्लावर इस दफ़ा कम रखा है। समझ गया ना, कितनी क्यूट लग रही है। ये देखें, शहीदों में वो कहते हैं ना, उंगली कटवा के नाम नहीं लिखवाना, जब सब बन जाता है तो याद है। दिस इज एक्सपर्ट्स हैंड, यू नो, जब एक्सपर्ट का हाथ बस कर दें, बस कर दें। एक फ्राई हो रही है चीज, उसको आके उसको पंगे कर रहे हैं। उसमें पंगे करके ओवरटेक करके कह रहे हैं कि हाँ, मैंने एक्सपर्ट्स हैंड डाला है। आजकल वैसे लोग दूसरी तीसरी शादियां कर रहे हैं, तो कमर बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। यार जिंदगी बस दो लोग जी रहे हैं दुनिया में, एक इकरारुल हसन और दूसरा शोएब मलिक। हम तो बस गुजार रहे हैं, हमारी तो बस पूरे हो जाए साल। ओ, बस कर जाओ, ये हो गया है, इसको ओवर फ्राई नहीं करना। अब इस स्टेज पे अगर आपको अपना रिच और क्रीमी करना है पालक पनीर, तो उसमें आप 2 टेबलस्पून तकरीबन क्रीम ऐड कर लें। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी ऐड करें तो खैर है, लेकिन ये इससे रिच हो जाता है। रिच मतलब अमीर हो जाता है। इससे ये अमीर हो जाता है। देखें गाइस, ये अमीर। ओ हो 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 हो। पालक का थोड़ा डार्क सा कलर हो गया था पक पक के लाल मिर्च में, वो जो है वो थोड़ा लाइट सा हो गया, प्यारा सा। वैसे तो अगर आप इसके अंदर जब भी पालक पनीर बनाए तो एंड के अंदर इसके अंदर देसी घी का तड़का जरूर लगाएं, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो रेडीमेड पाक प्योर कंपनी का एक मिलता है, पाक प्योर के नाम से नोट होगा, वो देसी घी बहुत बहुत। और कसम से ये वीडियो जो है पाक प्योर ने स्पॉन्सर नहीं किया, बट वो अच्छा है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में कमेंट ने ओवर फ्राई कर दी है, लेकिन बिल्कुल ओवर फ्राई नहीं की, ये क्रिस्पी रहती है। ये इसके अंदर जाके इसमें बताएं कि ओवर फ्राइड है या नहीं। ये टूटेंगी नहीं फातिमा, ये अच्छी रहेंगी, ऐसी मजे की रहेंगी। गाइस कभी भी कुकिंग व्लॉग में जो है ना, वो हस्बैंड को आने मत। अच्छा अच्छा, पुराने व्लॉग्स खोल के देखें कौन कुकिंग कर रहा था। ये तो अभी मैं जरा आजकल ज्यादा बिजी हो गया, इस वजह से नहीं पा रही। शॉर्ट वीडियो देखें मेरी कि उसमें पालक पनीर में पनीर का कैसा कलर है। इस मोहब्बत में जान जा चुकी है और पालक में पनीर जा चुकी है। ये था हमारा आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग हम खत्म करेंगे। अगर आप इसकी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और चैनल को भी लाइक करें, हमें भी लाइक करें, और ये अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि कैसी। और ट्राई जरूर कीजिएगा, और ट्राई करके कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिश कैसी लगी, जो कि मेरी रेसिपी थी। हा? और सॉरी, फातिमा की रेसिपी थी। और ओके, बाय।